दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट कैसे निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल में यूपी ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों यूपी ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट निकालने के लिए आपको अपने मोबाइल के गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है यूपी स्टेट इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर गूगल में सर्च कर दिया है यूपी स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपके मोबाइल में ये वेबसाइट ऊपर नहीं आती है तो आपको नीचे जाके देख लेना है। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे इस वेबसाइट को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ sec.up.nic.in। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पर टिक कर देना है। डेस्कटॉप साइट पर टिक करने के बाद यहाँ पर सारा कुछ ये डेस्कटॉप जैसा ओपन हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर जैसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारा कुछ यहाँ पे छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पे अपने मोबाइल को रोटेट कर लेता हूँ जिससे आपको यहाँ पे सारा कुछ साफ साफ बड़ा बड़ा दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल को रोटेट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वोटर सर्विस। आपको यहाँ पे वोटर सर्विस पर क्लिक करना है। वोटर सर्विस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है। आप यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्च पंचायत वोटर्स। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए सर्च पंचायत वोटर्स के नीचे लिखा हुआ है क्लिक टू सर्च। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है। आप यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे तो आप अपने ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट नहीं निकाल पाएंगे। आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। आपको सबसे पहले अपने जनपद का नाम चुनना है। आपका जो भी जिला होगा आपको यहाँ पे अपना जिला डाल देना है, जो भी आपका जिला होगा। मैंने यहाँ पे अपना जिला सिलेक्ट कर लिया है। जिला सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना विकास खंड चुनना है। विकास खंड आपका जो भी होगा यहाँ पे अपना विकास खंड डाल देना, जो भी आपका पोस्ट लगता हो विकास खंड वही डाल देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे राइट साइड में आपको अपना ग्राम पंचायत चुनना है। आपकी जो भी ग्राम पंचायत होगी यहाँ पे अपनी ग्राम पंचायत चुन लेना है। ग्राम पंचायत चुनने के बाद अब आपको यहाँ पे मतदाता का नाम डालने का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे मतदाता के माता पिता का नाम, और यहाँ पे मकान संख्या डालने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको मतदाता का यहाँ पे डिटेल नहीं डालना है। अगर आप यहाँ पे किसी भी मतदाता की डिटेल डालेंगे तो सिर्फ उसी की डिटेल यहाँ पे दिखाएगा, बाकी आपके ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट यहाँ पे नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे आपको आपके ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट निकाल के दिखाऊंगा। कैसे निकालना होगा, आपको यहाँ पे सिर्फ मतदाता के नाम पर क्लिक करना है और यहाँ पे सिर्फ स्पेस टैप करना है। स्पेस टैप करने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पे माता पिता के नाम पर कुछ नहीं करना है, मकान संख्या के नाम पर कुछ भी नहीं करना है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। यहाँ पे जो जो साफ साफ लिखा हुआ है वैसे वैसे यहाँ पे अपना कैप्चा फिल कर देना है। मैं यहाँ पे कैप्चा डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैप्चा डाल दिया है। कैप्चा डालने के बाद अब हमें यहाँ पे सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट डाउनलोड हो रही है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अभी ब्लू कलर की लाइन चल रही है। यहाँ पर देख लीजिए हमारे ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट डाउनलोड हो चुकी है। मैं यहाँ पे इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको सारा कुछ साफ साफ दिखाई दे। मैंने यहाँ पे जूम आउट कर दिया है। यहाँ पर देख लीजिए मेरे ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर किसी का नाम सर्च करना है तो सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है पंचायत वोटर सर्च इंजन। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको यहाँ पर साइड में सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए सर्च करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे सर्च बार में जिसका भी नाम यहाँ पे सर्च करना है उसका नाम यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखने के बाद उस नाम के जितने भी वोटर होंगे आपके ग्राम पंचायत में उन सभी का यहाँ पे नाम आ जाएगा। उनमें से आप यहाँ पे अपना नाम देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सभी का नाम एक एक करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे पेज वाइज यहाँ पे है, यहाँ पे आपके ग्राम पंचायत में जितने भी पेज होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे एक एक करके पेज यहाँ पे बढ़ा बढ़ा कर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो देख के थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और ऐसी नॉलेजबल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।